इसी से सप्लीमेंट्री चल रही है, सप्लीमेंट्री चल रही है। तो ये पूछिए ना, दूसरी का जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, अब वो कहने लगी है। और जितने यहाँ पर टिकट दिए हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के कहने से सब दिए गए। तो क्या लगता है कि मायावती जो है भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? वो तो कर ही नहीं, बताइए। यहाँ हमारे मैनपुरी से पहले टिकट दिया क्या नाम था उसका, साथ था क्या उनके टिकट का था। फिर बताइए आजमगढ़ में राजभर का टिकट का था। फिर यहाँ से भी बहुत से थे, रजत गुप्ता भी थे, सब थे, उनकी पार्टी के थे, उनको न दे करके यहाँ भी प्रत्याशी बनला। और ये सब देखिए बीजेपी के कहने से टिकट दिए गए, शामिल हुए आपकी पार्टी में। अब रचित जी, तो लग रहा है आपको कोई बीएसपी का वोट आपकी तरफ खिसक रहा है कुछ? देखिए समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, व्यापारियों का भी। अब रचित गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी आ गए, यूनियन के नेता भी रहे और हैं नेता, बहुत सीनियर नेता हैं, उनके पुत्र रजत गुप्ता हैं, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनके पास जनाधार है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव का वोट बढ़ना ही है, तो बीएसपी का वोट कहीं ना कहीं खिसक रहा है सभी पर। देखिए दलित वोट भी हमें मिल रहा है, किसान लोग भी, बैकवर्ड भी, सवर्ण भी, और अब ये रंजित गुप्ता आ गए तो दलित समाज का भी। अच्छा, इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी समाज के केवल विघटन पैदा किया है, केवल विघटन इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। उसकी वजह से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुकी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। भाजपा एक सवाल और था मैनिफेस्टो के बारे में, मोदी जी लगातार कह रहे हैं 2024-14 और उसमें आरक्षण की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए इनको पहले तो जो जातीय गणना क्यों नहीं करा, जातीय गणना करना चाहिए था, और जातीय गणना इसलिए नहीं कर रहे, 1932 में जातीय गणना हुई थी तब देश की आबादी से सप्लीमेंट्री चल रही है, सप्लीमेंट्री। तो ये पूछिए ना, दूसरी का जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, अब वो कहने लगी है। और जितने यहाँ पर टिकट दिए हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के कहने से सब दिए गए। क्या लगता है कि मायावती जो है भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? वो तो कर ही नहीं, बताइए। यहाँ हमारे मैनपुरी से पहले टिकट दिया क्या नाम था उसका, साथ था क्या उनके टिकट का था। फिर बताइए आजमगढ़ में राजभर का टिकट का था। फिर यहाँ से भी बहुत से थे, रजत गुप्ता भी थे, सब थे, उनकी पार्टी के थे, उनको न दे करके यहाँ भी प्रत्याशी बनला। और ये सब देखिए बीजेपी के कहने से टिकट दिए गए, शामिल हुए आपकी पार्टी में। अब रचित जी, तो लग रहा है आपको कोई बीएसपी का वोट आपकी तरफ खिसक रहा है कुछ? देखिए समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, व्यापारियों का भी। अब रचित गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी आ गए, यूनियन के नेता भी रहे और हैं नेता, बहुत सीनियर नेता हैं, उनके पुत्र रजत गुप्ता हैं, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनके पास जनाधार है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव का वोट बढ़ना ही है, तो बीएसपी का वोट कहीं ना कहीं खिसक रहा सभी पर। देखिए दलित वोट भी हमें मिल रहा है, किसान लोग भी, बैकवर्ड भी, सवर्ण भी, और अब ये रंजित गुप्ता आ गए तो दलित समाज का भी। अच्छा, इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी समाज के केवल
विघटन पैदा किया है। केवल विघटन इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है, उसकी वजह से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुकी है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं भाजपा। एक सवाल और था, मैनिफेस्टो के बारे में मोदी जी लगातार कह रहे हैं 2024-14 में जा रहे थे और उसमें आरक्षण की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनको पहले तो जो जातीय गणना क्यों नहीं करा, जातीय गणना करना चाहिए था, और जातीय गणना इसलिए नहीं कर रहे, 1932 में जातीय गणना हुई थी,